तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। तो कल फाइनली बिग बॉस हाउस में एलविस यादव का एंट्री हो गया है और कल बिग बॉस हाउस में फुगरा इंसान भी एक बहुत बड़ा गलती कर दी जिसके ऊपर एलविस यादव और उनका फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। तो कल बिग बॉस हाउस में दो लोगों का एंट्री हुआ, एक एलविस यादव और दूसरा आशिका भाटिया। और इन दोनों के बारे में एक फन बात मैं आप लोगों को बता दूं, 3 साल पहले एलविस यादव आशिका भाटिया को रोस्ट भी किया था और तब उन दोनों के बीच एक खतरनाक वाला कंट्रोवर्सी भी हुआ था और अब वो दोनों एक ही घर में रहेंगे। तो एलविस यादव घर के अंदर पैर रखते ही सभी लोगों को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। घर के अंदर आते ही वो सबसे पहले फुकरा इंसान से गले मिले, उसके बाद उन्होंने सभी लोगों से हाथ मिलाया। लेकिन जब बेबिका ने हाथ मिलाने आई तब एलविस यादव दूर से ही उसको नमस्ते कर दिया। एलविस यादव घर में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, पूजा भाट को भी नहीं। एलविस यादव जब बैठ के बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि इस घर में सब मेरी बहन है, केवल बेबिका और पूजा को छोड़ के, क्योंकि बेबिका इसमाई आंटी जी और पूजा इसमाई ताई जी। बिग बॉस हाउस में बेड का कमी है, इसलिए फुकरा इंसान एलविस यादव को बोला कि आशिका और तुमको बेड शेयर करना पड़ेगा, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एलविस यादव बोला कि कभी नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगा फिर भी उसके साथ बेड शेयर नहीं करूंगा। इसी बेड शेयर को लेके जब एलविस यादव अविनाश से बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि तुम अभी आए हो, उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एलविस यादव अविनाश को रोस्ट कर दिया। उन्होंने अविनाश को बोला कि तो क्या हो गया, तुमने क्या फाड़ लिया पिछले 27 दिनों में, मैंने तो तुम्हें कुछ फाड़ते नहीं देखा। एलविस यादव और बोला कि मेरे आंख में वो बंदा बहुत खटकता है जो कुछ नहीं करता। ऑल्सो अविनाश ने एलविस यादव को बोला कि तू डीओ लगा के सोया कर, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एलविस बोला क्यों, फिर अविनाश बोला डीओ लोग क्यों लगाते हैं, फिर एलविस यादव बोला तुम मेरे यहाँ मुंह लगा के सूंघते हो क्या, भाई तुम नाक बंद करके सोया करो, डीओ तो मैं फेंक आया। अब बात कर लेते हैं एलविस यादव और बेबिका के बारे में। अब बेबिका एलविस यादव का भी ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दी। एलविस यादव और बेबिका जब बैठा था तब बेबिका ने बोली कि अभिषेक का एटीट्यूड रियल नहीं है, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एलविस यादव बोला वो मेरा भाई है यार, अच्छा है वो भी, उसको मैं पहले से जानता हूँ, आपकी पता नहीं उससे कैसे लड़ाई हो गई। अब बात कर लेते हैं एलविस यादव और फुकरा इंसान के बारे में। एलविस यादव फुकरा इंसान को एक हिंट दिए कि वो गलत संगत में है। उन्होंने फुकरा इंसान को बोला कि दुश्मनों में घूम रहे हो, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान बोला कि कोई दुश्मन नहीं, सभी दोस्त है मेरा। अब बात कर लेते हैं आज का सबसे बड़ा न्यूज के बारे में, जिसके ऊपर एलविस यादव उनका फ्रेंड्स और उनका फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। दरअसल कल रात में फुकरा इंसान जिया और फलक बात कर रहे थे, तब फलक ने बोला कि ये बिग बॉस किसको उठा ले आया, फिर फुकरा इंसान ने कुछ बोला जिसको बिग बॉस ने म्यूट कर दिया और उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर उस टाइम वहाँ पर एलविस यादव आ गए और फिर उन्होंने बोला कि ये क्या दिन आ गया, फिर एलविस यादव और पासा के बोला कि वाह अभिषेक भाई, मतलब उस चीज के ऊपर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। फिर फुकरा इंसान फलक और जिया उठ के वहाँ से बाहर आ गए, बाहर आके भी वो लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे। जिया एलविस यादव के वॉक करने का स्टाइल को कॉपी करने लगा और फिर उनका मजाक उड़ाया। जिया बोली कि ऐसे उसका पेट है और ऐसे हाथ रहता है, फिर फुकरा इंसान बोला कि अब बस कर, मैं अपने भाई के बारे में और चीजें नहीं सुन सकता, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अविनाश बोला कि पुनीत भी तेरा भाई था, फिर फलक ने बोला कि कैसे कैसे भाई बना रखा है और तू खुद ऐसा नहीं है। लव कटारिया इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उनके रिसेंट ब्लॉग में फुकरा इंसान को कुछ ये रिप्लाई किया। स्क्रिप्ट में आपने देखा होगा गले लगाया आते ही, और वैसे भी तुमने देखा होगा भाई भाई कर रहा है एलविस, और ऑफ द कैमरे पीछे से भी लिटरली बताऊं कसम से, किसी कसम खा दो, कहेगा गया था कि भाई फुकरा और मैं फाड़ गाएंगे, भाई हैं दोनों भाई, दिल तमाना तो भाई हैं, मतलब बोर ना आएंगे दोनों भाई, चारा रखेंगे अंदर, ठीक है। अब पता नहीं फुकरा भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बेबिका को भी वो बेबिका अगर फुकरा कुछ फालतू बोल रहे तो अलीफ से भी कह रहे हैं कि भाई है मत बोल फुकरा क्या हो गया, पर मत बोल भाई। इधर देखो जिया के साथ, और भाई क्या कर रहे हो अभिषेक भाई, डिसअपॉइंट करवा दे कसम से, मतलब मैं ये फील कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है कि तुम्हारे कुछ बेशक और पर्सपेक्टिव होगा या फिर कुछ और पीओवी होगा उस टाइम पे, पर यार बहुत गलत दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता भाईचारा जैसे आपने दिखाया भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब ये मैं फील कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या फील कर रहे हो, पर मेरे को तो फील हुआ यार अभिषेक भाई डिसअपॉइंट, लिटरली मैं डिसअपॉइंट कर दिया माँ कसम, जो बंदा ऑफ कैमरा बिना ब्लॉग के बिना शो के भी कह के गया है कि अभिषेक भाई है तो भाई है, हम दिखाएंगे भाईचारा क्या होता है, और आप भाई ऐसे कर रहे हो, कोई नहीं, मेरे को बोलने का मन था मैंने बोल दिया, पर नो ब्रो नॉट, इट्स नॉट डन ब्रो, इट्स नॉट डन। ये ब्लॉग था आज का, ज्यादा मैंने कुछ बोला नहीं। इसके ऊपर एलविस यादव का फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये आप लोग कुछ ट्वीट देख सकते हो। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।